हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज नॉट ओनली अ टॉपिक बट द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर करियर। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि ये कितना ज़रूरी है। मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है, आपने कभी इस बात को नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जब कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, बहुत सारे लोग जिनका कॉलेज बहुत छोटा सा होता है, उनका कॉलेज का बैकग्राउंड या नाम इतना ज़्यादा नहीं होता है, इवन यहाँ के टीचर्स भी उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाता है, उसका प्लेसमेंट भी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट तक में चला जाता है। आपकी नज़र में बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल होंगे जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया होगा या उनका कॉलेज बहुत छोटा रहा होगा लेकिन उनकी सक्सेस बहुत ज़्यादा रही होगी। उसके अलावा अगर हम दूसरी साइड देखें तो क्या होता है कि एक इंसान का कॉलेज भी बहुत बड़ा है या उसकी यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी थी लेकिन उसको उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस इंसान के पास किसी चीज़ की कमी है। इंसान ने कॉलेज ड्रॉप करने के बाद भी बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली, उसके पास कुछ तो ऐसा है जो उस इंसान के पास नहीं है जिसने एक बड़े कॉलेज को ड्रॉप करने के बाद या बड़े कॉलेज को पास आउट करने के बाद भी उतनी ज़्यादा कामयाबी गेन नहीं की। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने चाह रहे हैं, व्हाट इज़ दैट थिंग, एंड दैट थिंग इज़ सेल्फ एजुकेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एजुकेशन एंड फॉर्मल एजुकेशन। तो पहले हम बात करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है और सेल्फ एजुकेशन क्या होती है। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो आप कॉलेज में लर्न करते हैं, जो आप कॉलेज में सीखते हैं या आप स्कूल में सीखते हैं। और दूसरी साइड में आपकी सेल्फ एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो आप कॉलेज से अलग, स्कूल से अलग एडिशनली सीखते हैं, आप स्किल सीखते हैं सेल्फ एजुकेशन के थ्रू। तो आप किसी भी कंपनी में जो हायर किए जाते हैं वो किस बेसिस पर हायर किए जाते हैं? सबके पास डिग्री होती है, सबके पास अच्छी परसेंटेज भी होती है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसकी बेसिस पे आपको कंपनी हायर करती है। एंड यू आर हायर्ड इन ए कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, अगर आपके अंदर टीम मैनेजमेंट है, अगर आपके अंदर पीपल्स मैनेजमेंट है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हैं तो आपको कंपनी हायर करती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सब चीज़ें आती हैं सेल्फ एजुकेशन से। तो सेल्फ एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? सेल्फ एजुकेशन आपकी कामयाबी में चार चांद लगा देती है। सेल्फ एजुकेशन आपको सक्सेस हासिल करने में मदद करती है। सेल्फ एजुकेशन आपकी सक्सेस की स्पीड को बढ़ा देती है। सेल्फ एजुकेशन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है। सेल्फ एजुकेशन आपको भीड़ से अलग कर देती है। अकॉर्डिंग टू मी सेल्फ एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास एक बहुत बड़ी कार है, यू हैव ऑडी और यू हैव फरारी, लेकिन आपके पास फ्यूल नहीं है तो आप उसको चलाएंगे कैसे? वो चलाएंगे आप सेल्फ एजुकेशन से। तो आपकी डिग्री आपके लिए कार के जैसी होती है, उसको मोमेंटम मिलता है आपकी सेल्फ एजुकेशन से। आपके अंदर स्किल सेट कितना, एग्जांपल आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन आप लोगों से बात करना नहीं जानते अच्छे से, आप इफेक्टिवली नहीं बोल पाते हैं, तो आपकी नॉलेज का क्या फ़ायदा अगर आप लोगों को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं? तो वो चीज़ें भी आती हैं सेल्फ एजुकेशन से। तो सेल्फ एजुकेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ें खुद से सीखते हैं, सेल्फ एजुकेशन में हम कहीं से भी चीज़ों को सीख सकते हैं। सेल्फ एजुकेशन में हमारा मेंटोर कोई भी हो सकता है, इट मे बी यूट्यूब, इट मे बी अ बुक, इट मे बी अ सेमिनार, इट मे बी अ वेबिनार। तो अब बात आती है कि सेल्फ एजुकेशन को गेन कहाँ से करना है, सेल्फ एजुकेशन को सीखना कहाँ से? तो आपकी सेल्फ एजुकेशन आती है किताबों से, वेबिनार से, सेमिनार से, सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू देखने से। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं उस कामयाब इंसान की जिसने कामयाबी को हासिल किया और अपनी 60-70 साल की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस उस किताब में लिख दिया, जो आप 5 से 10 घंटों में सीख सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा किताब पढ़ने का ये है कि जो गलतियाँ उन लोगों ने की हैं आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आपका टाइम सेव होगा। सेकंड थिंग, यू कैन जॉइन सेमिनार। सेमिनार में 4 से 5 घंटे के इवेंट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। उसके अलावा यू कैन सी वेबिनार ऑनलाइन, यू कैन वॉच वेबिनार ऑनलाइन, इसमें भी आप 2 से 3 घंटे में बहुत कुछ सीख जाते हैं। उसके अलावा आप सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू देख सकते हैं। तो इन दी एंड आई विल जस्ट से दैट अगर आप किसी ऐसे स्कूल को बिलोंग करते हैं जहां आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, वहां पे आपको कोई स्किल्स की इंपॉर्टेंस बताने वाला नहीं है, तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है तो वो आपको गाइड नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप पे पैसा खर्च कर सकते हैं। उनको नहीं पता कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको अपनी ज़िंदगी का जिम्मेदार खुद बनना होगा, आपको स्किल सीखने के लिए खुद को रेडी करना होगा, आपको अपनी लाइफ को चेंज लाने के लिए खुद को तैयार करना होगा, आपको ब्लेम गेम
खेलना छोड़ना पड़ेगा, आपको टीचर्स पे फुल्ली डिपेंडेंट होना छोड़ना पड़ेगा। तो आज से ही अपनी स्किल सेट पे काम करना शुरू कर दीजिए इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, मोर सक्सेसफुल। एंड इफ़ यू वांट टू हैव नेम एंड फेम, यू नीड टू वर्क अपॉन योर स्किल्स, यू नीड स्किल्स। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे यूपी बोर्ड के बच्चे जो कॉलेज लाइफ में आने के बाद स्मॉल फील करते हैं, उनके अंदर भी स्किल सेट की कमी होती है, क्योंकि स्कूल में उनको कभी बताया नहीं जाता कि स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन दी एंड आई विल जस्ट से दैट अगर आप किसी भी ऐसे स्कूल से बिलोंग करते हैं जहाँ पर स्किल्स आपको सिखाई नहीं जाती, तो आप स्किल्स लर्न करना शुरू कर दीजिए। स्किल्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल आती हैं, प्रेजेंटेशन मेकिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट, बट स्टार्ट टुडे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।